Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. And before we begin our day's activities and give our attention, attention to so many things, let us give our undivided attention to hear the voice of God.

द लॉर्ड्स टेबल इज अ प्रैक्टिस दीसस एस्टैब्लिश एंड डायरेक्टिंग हिस पीपल ऑल थ्रू आउट दिस एज टू डू दिस इन रिमम्बरेंस ऑफ हिम और पानी के बपतिसमें के जैसे ही ये प्रभु भोज या प्रभु मेज भी प्रभु येशु के मसीह के द्वारा स्थापित किया गया एक, एक बात था जिसमें हमें सहभागिता करना था जितनी बार हम कर सकते हैं तो उसकी याद में And the church is directed and instructed by the Lord of the church himself to, um, to, to, uh, to practice these two very important sacraments. प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के स्वामी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ही इस आज्ञा को दिया है कि कलीसिया जो कि उसकी कलीसिया है वो एक देह के साथ और सच्चे मन से इन दोनों बातों का पालन करे वाट बैप्टिज्म बिकॉज इट इज सेक्रेड इट इज समथिंग होली sanctified by the lord himself और पानी का बपतिस्मा और प्रभु भोज दोनों ही परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए पवित्र बातें हैं and when jesus established this Lord's supper he did not start a calendar for this और याद रखिए जब यीशु ने प्रभु भोज की शुरुआत को किया तो उसके लिए कोई कैलेंडर नहीं बनाया he simply said as often as you come together ऑब्सर्व दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ उसने सिर्फ इतना कहा जितनी बार भी तुम एक साथ मिलकर मुझे याद कर सकते हो इस प्रभु भोज के द्वारा मुझे याद करो एंड डू इट एज ऑफन एज पॉसिबल और इस बात को करो जितना ज्यादा तुम कर सकते हो एंड ऑब्जर्व इट वंस अ वीक और कई इसे हफ्ते में एक बार इसे करते करते हैं। that is every Sunday. या हो सकता है हर रविवार को वो प्रभु भोज एंड ट्रेडिशन और कई विश्वासों में साल में एक बार एंड हाउ मेनी टाइम्स यू डू दैट मैटर यू कैन डू इट डेली यू कैन डूस इन ए मंथ बट वंस इन एयर आई बिलीव आई थिंक इट इज टू लॉन्ग टाइम टू वेट इट और ये मायने नहीं रखता कि आप कैसे इसे करते हैं चाहे वो हर रविवार को हो या हर दिन हो या महीने में एक बार हो या साल में एक बार हो लेकिन हाँ ये तो है कि साल में एक बार करना तो बहुत लंबा समय है वाइन ही डिड नॉट गिव डायरेक्टिव एज टू फ्रीक्वेंसी कोई दिशा निर्देश ऐसे स्थापित नहीं किए गए लेकिन फिर भी वो चाहता ये था कि इस प्रभु भोज के द्वारा उसके लोग उस जीवन के सोते के पास दोबारा लौट चले आए एंड ही

और आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु भोज या प्रभु मेज में ये एक सामर्थी बात है और किस तरीके की शक्ति और सामर्थ्य इसमें पाई जाती है रेवरेंस एंड रेस्पेक्ट फो गॉड और ऐसा सामर्थ्य जो बातों को बदल सकता है परिस्थितियों को बदल सकता है जब हम एक सच्चे भय के साथ परमेश्वर के लिए इसमें भाग इज टू मे एक्सक्यूज टू मेक यू अवेयर ऑफ द मीनिंग

They, और यहाँ पर वे कौन है, the है जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया प्रभु यीशु मसीह को भले ही उन्हें कैसा भी दाम चुकाना And they overcame the devil. और वो शैतान के ऊपर उन्हें विजय पाल now, now, this message of uh, the message of this verse uh, is. We will triumph. और इस वचन में जो संदेश हमें मिलता है है वो ये है कि हम जीतेंगे। और इसके वचन में हमें यह संदेश मिलता है कि अंत के दिनों में जो शैतान की बुराई और अंधकार की दुष्टता बढ़ती चली जाएगी उन सारी बातों के ऊपर हम विजयी पाएंगे My friends, Evil always existed. और मेरे मित्रों इस बात को याद रखें कि बुराई तो हमेशा से of God, उस समय से जब से आदम और हवा परमेश्वर के अनुग्रह से गिर But as the end of this age comes closer and closer, लेकिन जैसे कि इस युग का अंत निकट आता चला जाता है we, we will an increase in the wickedness and the evil powers. active हम देखेंगे कि जैसे इस युग का अंत निकट आता है किस प्रकार से दुष्टता और बुराई बढ़ती चली जाएगी एंड देयरफॉर वी हैव टू फेस दिस स्ट्रगल विद द और इसलिए हमें बुराई के साथ ये हमें सामना करना है एट दिस रिवर्स मींस विक्ट्री इज लिंक्ड विद द abiding टेस्टिमनी Of Christ's blood. और इस वचन का मतलब ये है कि विजय प्रभु यीशु की लहू से जोड़ दिया गया है उनके लिए जो उसकी गवाही में बने रहते हैं। और जब हम प्रभु भोज में से करते First we take the bread. पहले हम रोटी को लेते हैं ब्रोकन बॉडी ऑफ जीसस रोटी प्रभु यीशु मसीह की टूटी हुई देह को दर्शाती है Now when you take the bread, और जब उस रोटी को लेते हैं देयर इज नो इन इट तो याद रखिए उसमें कोई जादू नहीं सम पीपल टीच इट you यू it इट इन योर माउथ इन योर माउथ इट not बी changed. into the actual flesh of Jesus Christ. और जैसा कि कुछ लोग सिखाते और बताते भी हैं, याद रखिए ये रोटी आपके मुख में जाते ही प्रभु यीशु मसीह का वास्तविक मांस का टुकड़ा नहीं बन जाती। So that kind of miracle doesn't happen when we take the bread. और उस प्रकार का चमत्कार नहीं होता जब हम रोटी में सहभागिता करते हैं। It is only a symbol of the broken body of Jesus लेकिन ये तो प्रभु यीशु मसीह की तोड़ी गई देह का एक चिन्ह है as the piece of bread is taken from uh, taken uh, this piece is broken from a uh, whole bread और याद रखिए जब इस रोटी को लिया जाता है तब इसे पूरी रोटी में से एक टुकड़े को तोड़ा जाता है in the same way इसी प्रकार symbolically we are declaring that Jesus Christ broke इसीलिए इसी हम इस बात को बताते हैं और इस बात को दिखाते हैं की ये मसी ने अपनी लग, मेरे लिए तोड़ाइम आई टेक द्रेड और इसलिए हर बार इन द सेम वे एवरी टाइम आई टेक दी तरीके से जितनी भी बार मैं उस प्याले को अपने हाथ में लेता take the cup in my hand, जब मैं उस कटोरे को अपने हाथ में लेता हूँ आई एम रिमाइंडेड That I am celebrating not only the victory won, but also the victory available. तो तो ये for today. तो ये बात मुझे उसकी भी याद दिलाती है कि ना केवल मैं उस विजय का उत्साह मना रहा हूँ जो यीशु ने जीत ली लेकिन वही विजय मेरे लिए भी आज के दिन उपलब्ध है एंड सो दिस इज अलिब्रेशन ऑफ विक्टोरिया और इसलिए ये प्रभु भोज एक विजय का उत्साह है द जीसस क्राइस्ट वन दैट विक्टोरी

जिसकी घोषणा करी जब वो तीसरे दिन मरे हुए टूडे और वही विजय मेरे लिए भी आज के दिन उपलब्ध कि मैं भी जयवंत बन जाऊं एंड सेलिब्रेट दैट विक्टोरी बाय अप्लाइंग इट इन माय पर्सनल लाइफ

Uh, सिद्ध हो गया या वो पूरा हो गया आवर forgiven। और हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया वी आर जस्टिफाइड His death। और हम माफ कर दिए गए और साफ कर दिए गए उसकी मृत्यु के द्वारा हाउ डू वी सेलिब्रेट कैसे हम उत्साह मनाते हैं वी सेलिब्रेटेड विथ प्रेज

थ अंडरस्टैंडिंग यू आर एक्चुअली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कंडमनेशन क्योंकि ये ने कहा अगर तुम बिना सोचे समझे इस प्याले में सहभागिता करते हो तो तुम बिना आ, अपने ऊपर उस दंड या न्याय को पीते हो सो रिमेम्बर बैट इस बात को याद रख से दूसरी बात इट्स प्रोकलमेशन ऑफ रिडमशन याद रखिए ये छुटकारे की एक घोषणा है फस कोरिनथियंस चैप्टर 11 वर्स 26 और पहला कुरिन्थियो उसका 11वा अध्याय और 26वा वचन लेट अस लिसन टू दिस वर्स और आइए हम इस वचन की ओर देखें पहला कुरिन्थियो उसका 11वा अध्याय 26वा वचन क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वहां आए प्रचार करते हो दैट इज द डिक्लोरेशन और यही हमारी घोषणा है वी प्रोक्लेम द होली और द टेबल ऑफ द लॉर्ड गिवस आउट दिस डिक्लोरेशन दिस प्रोक्लेमेशन और इस घोषणा को प्रभु भोज के द्वारा हम करते हैं दट जीसस क्राइस्ट गेव हिस लाइफ एंड इट्स ब्लड

ऑलरेडी अकम्प्लिस्ड और इसलिए ना केवल प्रभु भोज पर, परमेश्वर के उस छुटकार की घोषणा करता है जो पहले से ही हमारे लिए उपलब्ध है लेकिन उस की बात को भी दिखाता और घोषणा करता है जो उसके आगमन या दूसरे आगमन पर होगा और इसका मतलब क्या है मोमेंट टू बी एक्नोलेज क्राइस्ट एज आवर लोड एंड सेवियर Uh, मतलब जिस क्षण हम प्रभु मसीह को अपना परमेश्वर स्वामी के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने हृदय में उसे आने की अनुमति देते हैं वी आर रिडीम्ड from द पावर ऑफ सिन एंड ऑल इट्स influences. तब हमें छुटकारा मिल जाता है उस सारे पाप और श्राप और उसके प्रभाव से but also there is an, another aspect of redemption is Lekin ka jo dusra, uh, hai, wo ye hai. we are not only redeemed from the power and influence of, of the sin

sinning against God. और इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीना है और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से खुद को रोकना है। Because we are still in the presence, we are surrounded by all demonic activities. और क्योंकि हम अभी भी संसार में रह रहे हैं और शैतान की हर एक गतिविधियों हमें घेरे हुए हैं। But when Jesus comes, लेकिन जब यीशु आएगा, and take us to Himself, और वो हमें अपनी ओर ले अपने पास ले जाएगा, we are forever. रिडीम्ड फ्रॉम द वेरी ऑफ एंड सिर्फ तब हमें पाप और उपस्थिति से निकाल लिया जाएगा redemption of body is still left to be done। और शरीर का छुटकारा अभी भी बचा हुआ है and, uh, uh, this redemption of uh, we, our soul is saved, redeemed। और हमारी आत्मा तो बचा ली गई है we know that if we die today, Our our life will be with Jesus. और हम जानते हैं कि अगर आज के दिन हम मर जाएं तो हमारा जीवन यीशु के साथ होगा। But uh, our body is still subject to the uh, to old age and decay and sickness and pain and ultimate death. लेकिन हमारा शरीर अभी भी दर्द, दुख और बुढ़ापा और उम्र बढ़ना और हर प्रकार की समस्या के प्रति लगा हुआ है। And uh,

और हमारे वर्तमान के जो बुराई की शक्तियां अंधकार की जो शक्तियां हैं उन पर हमारा विजय और प्रबलता और उसके आगमन के मस्ट क्रिएट टू अस एंड ब्रिंग हाई प्रेसेस

हो लॉर्ड ब्लेस यू यू लिव योर लाइफ टुडे और आज के दिन जैसे आप अपने जीवन को जीते हैं परमेश्वर आप सबको आशीष आई लिव इट केयरफुल और इसे ध्यान पूर्वक बाई द पावर ऑफ पवित्र लहु के सामर्थ्य केवर होने दे हम जयवंत बन जाए परमेश्वर आप सबको एक अच्छा दिन आप सबका विक्टोरियस डे एक जयवंत से इन द डेथ ऑफ चीज और आप उस विजय का उत्साह मनाएं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में आमेन आमेन